नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे भिलाई से बड़ी खबर के साथ, जहां हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। भिलाई निगम के ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। भिलाई नगर निगम की बड़ी लापरवाही, अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी भिलाई से, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम की लापरवाही के चलते एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है और हादसों का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भिलाई से सामने आया, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। भिलाई निगम की ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम का ये वाहन जिसकी चपेट में आने से एक साइकिल सवार शख्स की मौत हो गई और भिलाई नगर निगम की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है और हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह वाहन की चपेट में आने से शख्स की मौत हुई और साइकिल भी वाहन के बीच में फंस गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता संध्या फोन लाइन पर बनी हुई है। संध्या, ये पूरा हादसा किस वजह से हुआ और नगर निगम का इस पूरे मामले की बात क्या कुछ कहना है? हाँ जी मोनिका, ये आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे की घटना है, जिसमें मुख्य चौक चौराहा माना जाता है भिलाई नगर निगम के अंतर्गत। लेकिन इस चौराहे के साथ दिक्कत ये है कि इसको बनाते समय कुछ यहाँ के जो जानकार जो आसपास के लोगों का कहना है कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट काफी ज्यादा है। उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा की गई है, वहीं कहीं कहीं पे ससरी भी की गई है और आसपास जिस तरह से अतिक्रमण है उसको लेकर के आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। और सुबह उठते वक्त अपने रोजी मजदूरी के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहा था और वो निकला हुआ था जिस समय ये घटना हुई है। और पहले जिस तरीके से लापरवाही पूर्वक निगम का जो सफाई कर्मचारी है ट्रक लेकर के जा रहा था, तो उसने पहले उसको लिया और यू टर्न लेने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है, जिससे युवक की मौत हो गई है। जी मोनिका, फिलहाल युवक के परिजनों का क्या इसके बाद कुछ बयान सामने आया संध्या? जी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को मर्चुरी भिजवा दिया गया। उसके परिजन वहां पहुंच चुके थे, पुलिस ने उनका बयान ले लिया है और उसके बाद परिजनों का रो रो कर तो वहाँ काफी बुरा हाल है। और निगम में इस मामले में वहां पे सभापति पहुंचे हुए थे, उन्होंने परिवार से मिलकर के उनकी संवेदना व्यक्त की और आगे निगम इस मामले जो भी बेहतर होगा उस परिवार के लिए करने की बात कह रहा है। जी मोनिका, बिल्कुल संध्या, हालांकि सांत्वना तो दी जा रही है लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आखिर किस तरह वाहन चलाए जाते हैं, उसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई और ऐसे में ये बेहद बड़ा हादसा है, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं भिलाई से। इसके लिए अगर हम देखा जाए घटना स्थल को देखा जाए तो अतिक्रमणकारी जो है एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि वो जो आसपास का इलाका है पूरा अतिक्रमण की जद में, जिस वजह से एक हादसा होने की एक मुख्य वजह भी सामने आ रही है जैसा कि पुलिस का कहना है। और अगर अतिक्रमणकारी वाहन नहीं होते और जगह होती तो शायद उस एरिया में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कई बार निगम प्रशासन का इस बार लोगों ने वहाँ के आम जनता ने ध्यान दिलाया है लेकिन निगम प्रशासन सख्त कदम नहीं उठा रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान गंवा करके भुगतना पड़ रहा है। जी मोनिका, ठीक संध्या, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।